सो हेलो गाइस, माय नेम इज विजय एंड बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20A में आप जो है एप्लीकेशंस को हाइड कैसे कर सकते हैं। जी हां गाइस, एप्लीकेशन हाइड करने के दो तरीके हैं। पहला जो है बाय डिफॉल्ट अगर सेटिंग्स आपके फोन में मिलता है तो आप कर सकते हो उससे हाइड। अगर फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग नहीं मिलता तो भी आप हाइड कर सकते हो, एंड दोनों चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो फिलहाल गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग से कैसे आप हाइड कर सकते हो, एंड गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन से भी आप कैसे हाइड कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस को। सो इसे करने के लिए गाइस आपको फोन सेटिंग ओपन कर लेना है। तो यहां पर हमारा डिवाइस है गाइस, एंड इसके अंदर हम चलते हैं फोन सेटिंग ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारा सेटिंग है, इसको हमने ओपन कर लिया। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, आपको यहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं फिलहाल वो आपके वीवो के Y20A में कुछ अलग देखने को मिलेंगी, जो सेटिंग्स आपको फिलहाल हमारे फोन में देखने को मिल रही है। बाद में कमेंट करेंगे सर हमारे फोन के अंदर जो सेटिंग है वो आपके फोन के अंदर नहीं शो कर रही है। तो ये हमारा वीवो का Y53 है, तो हम इसके अंदर आपको कर रहे हैं। आपके डिवाइस में जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको फिंगर पासवर्ड कह सकते हो या फिंगरप्रिंट पासवर्ड ऐसे करके मिलेगा ऑप्शन, आप उसे ओपन करना। एंड मेरे फोन में जो ओपन करना है सिक्योरिटी पासवर्ड को ओपन करना है। तो जैसे हम इसको ओपन कर लिए, यहाँ पर गाइस इस तरह से इंटरफेस आएगा, एंड आपके भी डिवाइस में सेम इंटरफेस आएगा बट थोड़ा सा ऑप्शंस ज्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। गाइस हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो इनेबल स्क्रीन लॉक पासवर्ड है, एंड प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन है, एंड डिस्प्ले द पैटर्न लॉक है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और जो आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें हाइड ऐप का मिलेगा। हाइड ऐप्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, लाइक इंक्रिप्शन हाइड ऐप्स रहेगा ऑप्शन, उसे जैसे आप प्रेस करेंगे आप वहां से आप हाइड कर सकते हो एप्लीकेशंस को। बिकॉज गाइस मेरे डिवाइस में इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हम यहां से इस ऑप्शन को इनेबल नहीं कर सकते। हमारे डिवाइस में जो ऑप्शन इनेबल होता है इस पे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं कहीं भी, तो यहां पर हाइड आइकन का ऑप्शन मिल जाता है। हम यहां से कोई भी पासवर्ड क्रिएट करके यहां से हम इसको हाइड कर सकते हैं। ये तो होगी गाइस आप जो कि फोन सेटिंग से कर सकते हैं। आई नो फोन सेटिंग से करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट गाइस आपको बता देता हूं कि फोन सेटिंग्स पे आप इजीली कर सकते हो। जैसे ही आप वहां पर सर्च बार के आइकन में भी सर्च करोगे हाइड ऐप, सो वहां से भी आप कर सकते हो हाइड एप्लीकेशंस। एंड हम आप बात करते हैं अगर बाय चांस अगर आपके डिवाइस में नहीं है ये ऑप्शंस तो आप कैसे एप्लीकेशन से कर पाएंगे। सो घुमा फिरा के बात करें एप्लीकेशन से ही हम बताने वाले थे कि कैसे आप जो हाइड कर सकते हैं। एंड सेटिंग के अंदर भी आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आपके डिवाइस में ये ऑप्शन है तो आप उसे इजीली यूज कर पाए। अब हम बात करते हैं गाइस इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है सी लॉन्चर, एंड इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो काफी सारी हमने बनाई हुई है, देखना चाहो तो वाई बटन चेकआउट कर सकते हो। अब हम इसे सिंपली ओपन करेंगे और इसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम इसे प्रेस किया आप थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये जो लॉन्चर है थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, ज्यादा नहीं बस अराउंड 10 सेकंड के आसपास ओपन हो जाएगा। अभी गाइस मैंने जैसे क्लिक किया ओपन हो चुका है, अब स्टार्ट बटन हमें प्रेस करना है। सो जैसे हम स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं हमें पूछ रहा है आपके पास कौन सा थीम चाहिए, लाइक लॉन्चर कौन सा चाहिए, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो लॉन्चर चाहिए या फिर जो आप करंट टाइम में यूज कर रहे हैं उस लॉन्चर पे ही आप एप्लीकेशंस को हाइड करना चाहते हैं। तो चलो गाइस हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम इसी पे हाइड करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड कैसे करना। हाइड करने के लिए आपको अपने डिवाइस पे स्पिंच करना है कुछ इस तरह से, उल्टा करना है इस तरह से स्पिंच करना, ना कि इस तरह से। तो जैसे हम इसको स्पिंच करते हैं उससे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है। जैसे आप 10 सेकंड इसके अंदर एप्लीकेशन पे आप वेट करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट लॉन्चर डिफॉल्ट, तो हमें ओके प्रेस करना है। एंड एक ऑप्शन और आएगा यहाँ पर चेक मार्क करके आपको सी लॉन्चर प्रेस कर देना है। अब इससे होगा क्या, जो आप अंडर डन प्रेस करेंगे तो इससे जो आपका सिस्टम है जितने भी एप्लीकेशन है वो कटेगा नहीं, आपका सेम लॉन्चर सी लॉन्चर ही एक्टिवेट रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ से बैकग्राउंड में रन करता रहेगा और इजिली आपके जो ऐप लॉक आपने लगाया है वो भी वर्क करता रहेगा। अब हम बात करते हैं जैसे हम इसको स्पिंच कर रहे हैं गाइस उल्टे तरीके से, अब यहाँ पर हाइड ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग वाले पे हमें प्रेस करना है। अब यहाँ से कोई एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो हम लाइक ओपन करने समय इस पासवर्ड को हम एंटर करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एक पासवर्ड यूज करते हैं जो हम इजी तरीके से इसे ओपन कर पाए। तो आप जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही करिए, आप कोई सा भी पासवर्ड एक यूज कर सकते हो। अभी क्या करना है गाइस, यहाँ से इस वाले पेंसिल के आइकन पर प्रेस करना है। प्रेस करते ही गाइस आपको यहाँ पर उस सारे के सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे जो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं इजीली। हाइड करने के लिए सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करते जाना है। जैसे हम इन सभी एप्लीकेशंस को हमने क्लिक कर दिया है तो हमने यहाँ से ऑलमोस्ट सभी के सभी एप्लीकेशंस को हाइड कर दिए हमने। अब यहाँ से हम ओके प्रेस करते हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस जो है गाइस हाइड हो चुके हैं हमारे डिवाइस में। हम जैसे यहाँ से कट करते हैं, जैसे होम बटन प्रेस करते हैं, अब यहाँ पर वो एप्लीकेशंस नहीं आएंगे जो हमने हाइड किया था।
दोबारा से हम उसे ओपन करने के लिए हमें दोबारा स्पिंच करना उसी तरीके से एंड उसी पासवर्ड को यूज करना है। एंड गाइस पासवर्ड को यूज करते ही यहाँ पर देख सकते हो आ चुका वो सारा का सारा एप्लीकेशन जो हमने हाइड किया था। अब यहाँ से किसी पर भी आप क्लिक करें एंड किसी को भी आप यहाँ से इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बस गाइस यही थी आज की वीडियो, होपफुली आप कर पाएंगे। सेटिंग से भी हमने बता दिया एंड एप्लीकेशन से भी बता दिया, जिस तरह से आप करना चाहो आप कर सकते हो ऐप लोग। सो फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।